सुबह से लेकर दिन भर क्या किया, रात को बाहर आने का दिन भर क्या किया? दिन भर तो ऐसे किया ना कि 3 बजे तक तो काम में बिजी था, फिर काम में बिजी होने के बाद फिर मैं चले गया था किसी से, मैंने भी पेमेंट लेनी थी, तो फिर वहां पे मैं पेमेंट लेने गया तो फिर थोड़ी बात बहुत हुई, बाद में फिर वो पैग चेक का सिस्टम शुरू हो गया, तो फिर पैग पुग लगाने लग गए हम यार दोस्त, फिर दो चार और भी इकट्ठे हो गए। आपको मालूम है सर्दियों के दिन है, यहाँ सर्दी बहुत पड़ रही है अमृतसर में, तो फिर पैग चेक लगाते लगाते रात को 11 बज गए, तो इसलिए फिर पेमेंट नहीं हुआ। फिर अभी भरो ना, अभी क्यों नहीं भर रहे हो? किसी प्रकार की कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के लिए और लोन रिकवरी एजेंट की हैरेसमेंट से बचने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। चलिए कॉल रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। रोफेलो फाइनेंस कंपनी से बात करो, राजन जी बात करे हो आप? हाँ जी राजन जी, क्या हुआ कल आपने पेमेंट की है नहीं सर? तो वो यार कल काम पड़ गया था, कोई फंस गए थे उसमें, तो हुआ नहीं। हाँ उसके बाद 3 बजे के बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया सर। वो स्विच नहीं ऑफ किया था, वो बैटरी खत्म हो गई थी उसकी। नहीं नहीं सर, आपने मेरे को कॉल किया थे 3 बजे, मैंने कॉल किया उसके बाद स्विच ऑफ हो गया मोबाइल सर, उसके बाद ओपन ही नहीं हुआ मोबाइल। हाँ हाँ, वो बैटरी खत्म हो गई थी ना, मैंने बताया था मैं। मतलब पेमेंट करते समय बैटरी खत्म हो गई सर आपको? नहीं नहीं, पेमेंट करने में बैटरी खत्म हो गई थी। तो फिर क्यों किया नहीं पेमेंट, मुझे बताओ ना। मैंने बताया तो था ना, मैं कहीं गया था तो वहाँ पे कोई फंस गया था, आपको 11 बजे में आया घर पे। अरे तो आप, मैंने जब सुबह कॉल किया मुझे बोलते 12 बजे कॉल करो, 12 बजे कॉल किया मुझे, 3 बजे कॉल करो, 3 बजे कॉल किया, 4 बजे कॉल करो, 4 बजे कॉल करने के बाद स्विच ऑफ कर दिया मोबाइल, क्या यही दिन भर करने का? मैंने आपको सुबह 4 बजे बोला था, आपको गहम हो गया था। कुछ नहीं, रोज क्या ऐसे ही टाइम दो, मैं ऐसे कॉल करूँ आपके पीछे? ऐसे आपके पीछे कॉल करूँ सर, पेमेंट क्यों नहीं हुआ? हम तो आज करवा देंगे आपका। क्या बोल रहे हो? मैंने तो आज करवा देंगे आपका फाइल में सिविल में। क्यों नहीं किया फिर? आप बाहर गए तो फिर अभी क्यों नहीं कर रहे? अभी कर रहे हो ना, अभी कर रहे हो ऑन कॉल पे? हाँ अभी मैं सो के ही उठा हूँ, फिर मैं नहा जाता हूँ। अरे तो सो के उठा तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? ऑनलाइन पेमेंट करना है, करो ना ऑनलाइन पेमेंट अभी। ऑनलाइन पेमेंट नहीं ना, साइबर कैफे पे जाके करवाना पड़ेगा। तुम कुछ नहीं करने वाले हो, तुम बस ऐसे जाके इधर उधर बैठ के आओ, फिर उसके बाद बोलते रहो कंपनी का लोन ले लिया, बहुत सेठ आदमी बन गए ना फिर। यार मैं अभी तो सो के ही उठा हूँ। वही बोल रहा हूँ ना, लोन ले लिया तो सेठ आदमी बन गए सर, आपके पीछे कोई 4 लोग लगे तो पैसा भरोगे, नहीं तो नहीं भरोगे ना? नहीं नहीं, वैसे ही भर देंगे, अब अभी तो चाय चोय भी नहीं पी। नहीं नहीं, तुमको तो कुछ बोल के भी कुछ फायदा नहीं है ना, तुम ऐसे इंसान ही हो सर। लोन लिया है आराम से, मस्त हाँ, कौन क्या कर रहा है वो देखो अपना, और पैसा भरने का नहीं, कंपनी क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा फोन ही तो करेगी ना, और कुछ तो नहीं कर सकती है। नहीं नहीं, जो पैसा लिया है वो तो देना ही है। क्यों नहीं दिए फिर? आप कमेंटमेंट करने के बाद पिछले 10 दिन से आप मेरे को घुमा रहे हो, बोलते हैं अभी करता हूँ अभी करता हूँ, ये करो वो करो, ये करो वो करो, आप बोलो वैसा करो। हाँ लोन आपने लिया, पैसे की जरूरत आप पे है, आपको दी, अभी पैसा भरने के लिए हो रहा है तो निकल नहीं रहा है पैसा, कहाँ से आएगा? नहीं नहीं, पैसा तो पास ही है, बेशक आप अपना एग्जेक्टिव भेज के घर से मंगवा लीजिए पैसे। आपका बंदा है यहाँ पे कोई ऑफिस वगैरह है तो? बंदा होता ना, बंदा होता 2 मिनट में पैसा भर दिए थे उधर का। अच्छा। बंदा हमारा कोई ऐसा कलेक्शन का काम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा जैसे वो बाकी बैंकों वाले होते हैं ना, घर पे आके पेमेंट ले जाते, तो वैसा कोई हिसाब होगा आपका? आपने ऑनलाइन कैसे लोन ले लिया फिर? समझ में आ गया है ऑनलाइन लोन लेने में, भरने में आप साइबर कैफे में जा रहे हो पैसा भरने के लिए? नहीं नहीं, ऑनलाइन तो भरने में भर दूंगा, लेकिन वो बैंक के अकाउंट में पैसे नहीं है ना। तो कल क्या किया फिर? कल मेरे को क्यों घुमाया इतना? तो कल मैंने कहा था ना कि मैं जाके साइबर कैफे से करवा दूंगा। तो क्यों नहीं पेमेंट किया फिर? पेमेंट क्यों नहीं किया, कहा था क्यों नहीं किया पेमेंट? मैंने बोला ना कि मैं कहीं फंस गया था, फिर मुझ तो रात को 11 वहीं बज गए। तो फंस गया तो मैं निकालने आऊं उधर पे सर, मैं आके निकालू तुमको फंसा है तो? नहीं मैं अपने आप ही निकल गया था रात 11 बजे। पेमेंट क्यों नहीं भरा वो बताओ ना, पेमेंट क्यों नहीं भरा? फंस गया तो मेरा प्रॉब्लम है वो। ओहो आप बात ही नहीं समझ रहे यार, मैंने कहा मैं कहीं गया था तो वहां पे फंस गया था, तो फिर मैं रात 11 बजे निकला वहां से।
फिर मैं 11 बजे निकला वहां से, तो वो मेरा पैसा क्यों नहीं भरा? तो वो साइबर कैफे जो होते हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा रात को आपको मालूम है 9 बजे बंद हो जाते हैं, तो इसलिए भरा नहीं गया। अब मैं अपना सुबह उठा ही हूँ, अभी मैंने दिन भर क्या किया आपने, सुबह से लेकर दिन भर क्या किया, रात को भरा नहीं गया, दिन भर क्या किया? दिन भर तो ऐसे किया ना कि 3 बजे तक तो काम में बिजी था, फिर काम में बिजी होने के बाद फिर मैं चले गया था किसी से, मैंने भी पेमेंट लेनी थी, तो फिर वहां पे मैं पेमेंट लेने गया तो फिर थोड़ी बात बहुत हुई, बाद में फिर वो पैग चेक का सिस्टम शुरू हो गया, तो फिर पैग पुग लगाने लग गए हम यार दोस्त, फिर दो चार और भी इकट्ठे हो गए। आपको मालूम है सर्दियों के दिन है, यहाँ सर्दी बहुत पड़ रही है अमृतसर में, तो फिर पैग चेक लगाते लगाते रात को 11 बज गए, तो इसलिए फिर पेमेंट नहीं हुआ। फिर अभी भरो ना, अभी क्यों नहीं भर रहे हो? अभी बोला ना, अभी तो मैं सो के उठा ही हूँ, अभी चाय पी के तो नहा के तो फिर जाता हूँ। तो अभी भरो, अभी भर के दो, अभी पैसा भरो। हाँ हाँ मैंने बोला ना कि अभी सो के उठा ही हूँ मैं। अरे तो पैसा भरो ना, वो मेरे को मत बताओ अपना राम कहानी। ओ भाई साहब, आप पूछ रहे थे कि कल पैसा क्यों नहीं भरा, क्यों नहीं भरा, तो इसलिए राम कहानी आपको सुनाई। तो मुझे बताओ 11 तारीख से लेकर अभी तक क्यों नहीं भरा, राम कहानी दो तीन का राम कहानी बताओगे मुझे? 11 के बाद फिर आपको मालूम है दिवाली आ गई, दिवाली के बाद करवा चौथ आ गया, बस वो फिर त्योहार वगैरह चलते रहे, फिर उसी में बिजी रहे, ये बात हो गई थी। लोन लेने का कौन बताया तुमको? लोन लेने के लिए कौन बताया तुमको? बस यही वो यूट्यूब चलाते हैं तो ऐड वगैरह आती है आप लोगों को। कौन तुमको सिखाया लोन ले लो? यूट्यूब पे ऐड देखी थी ना। और कितनी कंपनी का लेके बैठे हो जो पैसा नहीं भर रहे हो? नहीं बस आप ही का लिया है। अरे और कितनी कंपनी से लिया है जो पैसा नहीं भर रहे हो? आप ही से लिया और नहीं किसी से भी लिया। अरे अब किसी से मिलेगा भी नहीं ना अभी, किसी से मिलेगा भी नहीं है, नहीं और किसी से लेना भी नहीं है। अरे मिलेगा भी नहीं, लेने की जरूरत ही क्या है तुमको, तो पैसे की ऐसी जरूरत है ना कि जिधर पाओगे उधर ले लोगे, लेकिन दोगे नहीं कभी, ऐसे इंसान हो तुम। नहीं नहीं वो पैसे की तो जरूरत नहीं थी, बस वैसे ही अपना जरूरत नहीं तो क्यों नहीं दे रहे हो फिर? देने के लिए क्यों ऐसे मर रहे हो फिर? ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, जरूरत तो नहीं, ये 2-4 हजार का लोन का लोन होता है। क्यों कर रहे हो ये नाटक राम कहानी, ये दुनियादारी मेरे को सिखा रहे हो, ये आ गया वो आ गया, तो मैं पैसा क्यों लिया फिर? पैसा कौन सा, पैसा कौन सा आपसे 56 लाख ले लिया है, 2-4 हजार रुपया है तुम्हारे पास पैसा इतना था, क्यों लोन लिया फिर वो मुझे बताओ, क्यों लोन लिया? लोन कौन सा 56 लाख ले लिया आपसे, 2-3 हजार का तो लोन है। तो यही भरने में तुम्हारी हैसियत ही नहीं दिख रही है। अरे हैसियत तो बहुत है, लेकिन 2-3 हजार कुछ नहीं है, चाय पीने का जे चाय पीने का पैसा भी नहीं है तुम्हारे पास, हैसियत की बात कर रहे हो। 5 रुपया भर सकते हो वो भी नहीं भर पाओगे तुम, चाय पीने जाओगे तो दूसरे को बोलोगे खाते में लिख दे। नहीं नहीं खाता तो चलता है हमारा, फैक्ट्री में चाय वाला है ना बाहर, तो खाता तो चलता है उसके साथ। अरे तो उसका तो खा के बैठ गए होगे, वो तो ऐसे ही भिखारी हो गया होगा चाय वाला। नहीं नहीं उसका भी बना है 2500 रुपया 2600 बना है, वो भी 2-3-4 दिन से मांग रहा है, तो मैंने उसको बोला कि पहली तारीख को दूंगा। अब पहली तारीख का कहाँ आ गया उसको, जब ये हमारा नहीं देगा तो उसका क्या दोगे, वो तो गरीब है इंसान, उसको तो मारोगे दो रापट, चल ऐसे बोलोगे ना, तुम्हारी है यही है तुम्हारी नीयत पैसा खा के बैठ जाने का, पैसा खा के बैठ जाने का, बस बोलेगा कोई हाँ ऐसे ऐसे ऐसा बताने का। तो ऐसे कीजिए ना आप, पहली के बाद ले लेना, पहली को मुझे फिर उसके चाय वाले के देने दीजिए, ओम प्रकाश के पैसे मैं दे देता हूँ, तो आप 3-4 तारीख को ले लीजिए, ऐसे कर लो आप। हेलो जाओ जाओ अपने माँ बाप का सेवा करो, तुम तो वो भी लायक भी नहीं होगे ना, पैसा भरने के लिए लायक नहीं देगा तो माँ बाप तो क्या तुम कदर करोगे? माँ बाप तो पहुंच गए हेड ऑफिस। अरे वही तो बोल रहा हूँ, तुम वो भी कदर करना भी नहीं जानते हो, माँ बाप ने पढ़ाई लिखाई यही करने के लिए, दूसरे का पैसा ले लेने का और खाने का, आराम से बैठने का, फिर दादागिरी दिखाने का। हाँ पैसा अगर कोई मांगे ना उसको राम कहानी इसे बताने का, ये कर दिया वो कर दिया, दिन में फंसा था ये फंसा था, क्या दिन का व्यवहार बता रहे हो, 5000 रुपया भर नहीं पा रहे हो।
नहीं, माँ बाप की सेवा क्या करें, वो तो यमराज के पास चले गए हेड ऑफिस। अरे तो तुम क्यों रहेगे? नहीं, आपने बोला ना उनकी सेवा करो, तो सेवा कैसे करें आपकी? अरे तो कैसे, अरे उन लोगों को तो पहले ही डुबा के रखे होगे, इसलिए चले गए ना। तुम रहोगे तो उनको क्या कर दोगे? नहीं नहीं, उन लोगों को कहाँ डुबाया था, वो अपनी करतूतें कर रहे हैं। हाँ तो वो पहले से ही वो बोला ना, डुबा के रखे होगे तो इसलिए चले गए ना। नहीं नहीं, उनको तो डुबाया कोई नहीं। और क्या किया फिर, ऐसे कैसे चले गए ऊपर? और बस 10 लाख रुपया लिया था पिताजी से उधारा, वो फिर वापस नहीं किया, वो इसी गम में मर गए। तो तुम 5,000 रुपए में भूल गए हो कंपनी गए? 5,000 रुपए में? अब भाई साहब, अगर 10 लाख नहीं दिया तो 5,000 रुपया क्या चीज है हमारे लिए? वही, अरे 5,000 चीज वही तो बोल रहा हूँ, जेब में चाय 5 रुपया है क्या तुम्हारे? है क्या? 10 रुपए का चाय का कप है, 5 का थोड़ी है भाई। जेब में 5 रुपए है चाय पीने का, जो बोल रहे हो 5,000। आपके यहाँ मुंबई में 5 रुपए का आता चाय का कप? मोबाइल में चाय का कप आएगा? नहीं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुंबई में बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, तुम ऐसे इंसान हो ना दुनिया का बेच खाओगे लेकिन पैसा नहीं दोगे, तुम पैसा नहीं दोगे। अरे बोलने के लिए ना तो दिन भर ये ऐसा है, वो ऐसा है, फंस गया था, ऐसा कर दिया तो वैसा किया। अरे शर्म भी नहीं आती तुमको ये सब बोलने में? क्यों शर्माओगे? कैसे पैसा खाया ना, शर्माओगे काहे के लिए? तुम्हारे पास शर्म होगी तो शर्माओगे ना। आई नहीं वो चीज तो आई नहीं है ना। मेरे इलाके में मेरा नाम चलता है मिस्टर नटवर लाल। हाँ वही नटवर लाल क्या होता है, ये क्या होता है, वो मेरे को दुनिया बता दे। नटवर लाल एक बहुत मशहूर ठग नहीं था, आपको मालूम नहीं, बच्चा बच्चा जानता उसको, तो उसका भी बाप हूं मैं। मुझे लोग कहते हैं हिंदी में श्री नटवर लाल जी, रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ बुलाते हैं मुझे। हेलो हेलो हेलो